तो नमस्कार, आज सुपर संडे है, दो मुकाबले खेले जाएंगे, लेकिन दूसरा मुकाबला जो 55वां मुकाबला होगा वो सीएसके और डीसी के बीच होगा। फटाफट आपको प्लेइंग 11 बता देता हूं मैं दोनों टीमों की। सबसे पहले मैच में अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली ने 10 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 5 हारे हैं, 10 पॉइंट्स हैं। और दिल्ली के साथ प्लस पॉइंट क्या है, दिल्ली के साथ प्लस पॉइंट ये है कि दिल्ली का प्लस में रन रेट है 641 प्लस में रन रेट है। ये दिल्ली को फायदा पहुँचाएगा आगे जाकर, ये दिल्ली को बहुत फायदा पहुँचाएगा। अगर क्वालिफाई करते वक्त अभी दो तीन टीमों के पॉइंट्स बराबर रहे तो दिल्ली पहले क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि दिल्ली के प्लस में रन रेट है 641। ये दिल्ली के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन दिल्ली के साथ कुछ परेशानियां हैं, उन परेशानियों को दूर करने की हम बात करेंगे। फटाफट मैं आप लोगों को बता देता हूं, पिछले मुकाबले में मनदीप सिंह थे, वॉर्नर थे, मार्श, पंत, ललित, पॉवेल, रिपल पटेल, ठाकुर, कुलदीप यादव, खलील अहमद, नौजे, ये पिछले मुकाबले की टीम थी। शानदार तरीके से जीत दर्ज करी, लेकिन अगले मुकाबले में क्या होने चाहिए, एक बदलाव होने की उम्मीद है, बहुत बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है, क्योंकि सामने सीएसके है, सीएसके एमएस धोनी, और धोनी मतलब रणनीति। तो रणनीति के खिलाफ आपको मजबूत टीम उतारनी है, और वो मजबूत टीम क्या होगी, आपको पृथ्वी शो वापस आएंगे, आपको मनदीप सिंह की जगह पृथ्वी शो वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डेविड वॉर्नर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। डेविड वॉर्नर ने कहा है कि पृथ्वी शो मेरे ऊपर से दबाव कम कर देते हैं, जब मैं खेलता हूँ पृथ्वी शो दूसरे छोर से चौके छक्के लगाते हैं तो मुझे सिंगल डबल रन नहीं लेने पड़ते हैं, उससे मुझे थकान कम होती है और वो रन रेट भी बेहतर तरीके से मेंटेन करते हैं। तो पृथ्वी शो वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, यहाँ पर पृथ्वी शो वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं, पृथ्वी, उसके बाद में डेविड वॉर्नर यहाँ पर रहेंगे। डेविड वॉर्नर, दोनों की पार्टनरशिप बहुत शानदार है। दिल्ली कैपिटल के लिए आईपीएल 2022 में पृथ्वी शो ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, तो यहाँ पर इस लिहाज से भी आप सीएसके के खिलाफ कोई कोताही नहीं बरतना चाहेंगे, सीएसके के खिलाफ एक पूरी स्ट्रेंथ के साथ दिल्ली कैपिटल की टीम उतरना चाहेगी। उसके बाद में देखिए मार्श शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, पिछले दो तीन मैचों से मार्श ने बहुत अच्छा रन बनाया, और मार्श का फॉर्म में आना दिल्ली कैपिटल के लिए बहुत जरूरी है। अगर दिल्ली कैपिटल को इस टूर्नामेंट में अपने आप को जिंदा रखना है तो मार्श का जिंदा रहना क्रीज पर बहुत जरूरी है। तो मार्श यहाँ पर रहेंगी, और देखिए बादशाह कह रहे हैं ऊपर के दो जो दोनों बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलियन, ये दोनों दिल्ली की जान है, दिल्ली की ताकत है बल्लेबाजी की, ये दोनों ही खिलाड़ी। उसके बाद में ऋषभ पंत, देखिए मैं चाहता हूँ कि ऋषभ पंत थोड़ी सी और जिम्मेदारी ले, मुझे आईपीएल 2022 में भी कुछ गैर जिम्मेदाराना अंदाज नज़र आया ऋषभ पंत का, वो गैर जिम्मेदारा अंदाज छोड़कर, क्योंकि ऋषभ पंत यहाँ पर खिलाड़ी नहीं है, ऋषभ पंत इस टीम के कप्तान भी हैं, ऋषभ पंत टीम इंडिया में नहीं खेल रहे हैं, ऋषभ पंत इस वक्त दिल्ली कैपिटल में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर उनको अपने कप्तानी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। ऋषभ पंत वो जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, कई बार गलत शॉट खेलकर जल्दबाजी में आउट हो जाते हैं, अगर थोड़ा धैर्य रखें टिककर खेलें तो हो सकता है कि दिल्ली की हालत और बेहतर होती। कई मैच ऐसे थे जहां दिल्ली जीत सकती थी लेकिन ऋषभ पंत के जल्दी आउट होने की वजह से वो हार गई दिल्ली, तो मेरे हिसाब से ऋषभ पंत को थोड़ा सा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ललित यादव बहुत बेहतर कर रहे हैं इस टीम में लगातार बहुत बेहतर बल्लेबाजी प्रदर्शन ललित यादव का रहा है, गेंदबाजी से भी कभी कभी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो ललित यादव इस टीम के मध्यम क्रम की ताकत है। और पॉवेल, देखिए ये वो खिलाड़ी है जो बड़ा शानदार, जिसने वापसी की है, शुरुआत के मैचेस में फेल रहा, ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन जब वापसी की तो धमाकेदार अंदाज में वापसी की, लगातार गेंदबाजों पर बरस रहे हैं रोमन पॉवेल की बल्लेबाजी निचले क्रम पर इस टीम की ताकत है, इस टीम की जान है, एक बेहतर फिनिशर है रोमन पॉवेल दिल्ली कैपिटल की टीम में इस वक्त, तो बहुत शानदार। देखिए यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ कि रिपल पटेल, क्या फ़ायदा है इस खिलाड़ी का आपका, निचले क्रम पर बल्लेबाजी आती नहीं है, गेंदबाजी आप करा नहीं रहे हैं, तो इससे तो बेहतर है कि एक परफेक्ट गेंदबाजी खिला लीजिए, ताकि आपकी बल्लेबाजी तो आपकी मजबूत है, आपकी गेंदबाजी भी बेहतर हो जाए। मैं चाहता हूँ, देखिए आप पृथ्वी शो, डेविड वॉर्नर, मार्श, पंत, ललित, पॉवेल, 6 नंबर तक तो आपके पास इनफॉर्म बल्लेबाज हैं जो लगातार रन बना रहे हैं, तो आपको बल्लेबाजी की जरूरत नहीं है, आपको एक गेंदबाज की जरूरत है, परफेक्ट गेंदबाज की जरूरत है। तो मैं यहां पर चाहता हूं कि चेतन सकारी आ जाएंगे तो इनकी गेंदबाजी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि रिपल पटेल को खिलाने का कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है, बल्लेबाजी आ नहीं रही है, गेंदबाजी कर नहीं रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा गेंदबाज खिला लीजिए, क्योंकि आपके पास 4 गेंदबाज हैं, अगर 5 गेंदबाज, अगर 5 में से कोई फेल हो गया
तो क्या होगा? आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए, कप्तान के पास चेतन सकारिया जैसा एक बेहतर ऑप्शन होना चाहिए जिसको आप चार ओवर करवा सके। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि दिल्ली कैपिटल में रिपल पटेल की जगह चेतन सकारिया आ जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा ऑप्शन आपके पास बढ़िया गेंदबाजों के, बेहतर गेंदबाजों के ज़्यादा ऑप्शन होंगे तो आपकी टीम दूसरी टीम पर हावी हो जाएगी। ये एक बेहतर रणनीति होती है किसी भी टीम की, आपके पास बेहतर गेंदबाजी के ऑप्शन। तो चेतन सकारिया को मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। शार्दुल ठाकुर, देखिए ठाकुर साहब रन बहुत दे रहे हैं, ठाकुर साहब पिटाई बहुत हो रही है ठाकुर साहब की, अगर इतनी पिटाई होगी तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे, आपकी टीम बड़ा मुश्किल हो जाएगी, रन थोड़े कम देने पड़ेंगे। ठाकुर साहब की पिटाई बहुत होती है, रन 10-11, 10-11, 12 के हिसाब से रन देते हैं ठाकुर साहब, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अपनी गेंदबाजी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। कुलदीप देखिए इस टीम की स्पिन की जान है, विकेट लेने के मामले में लगातार टॉप पर बने हुए हैं चहल के बाद में, तो बहुत बेहतर गेंदबाजी कुलदीप यादव ने आईपीएल 2022 में की है, कमाल की गेंदबाजी की है, इन पर भी नज़र रहेगी, बहुत शानदार। खलील अहमद, देखिए खलील अहमद की अगर मैं बात करूं तो खलील अहमद इस टीम के पास एक ऐसा एसेट है जिसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, लेकिन ये गेंदबाज बहुत बड़ा है, ये गेंदबाज इसके पास लेफ्ट आर्म पेसर जो गेंदबाज होते हैं ना, मुझे वो बहुत पसंद होते हैं। खलील अहमद के पास बहुत वेरिएशंस हैं, बहुत विकेट टेकिंग डिलीवरीज हैं, विकेट लेना जानते हैं, जब भी आप इनको उतारेंगे विकेट लेकर आपको देंगे, कामयाब गेंदबाज है। दिल्ली कैपिटल की टीम के सबसे बेहतर गेंदबाज मुझे खलील अहमद लगते हैं, बहुत शानदार गेंदबाजी है। नोर्जे ने जो वापसी की है चोट के बाद, वो कुछ बेहतर अंदाज में नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डराना पड़ेगा बल्लेबाजों को, क्योंकि आपके पास 150 से ज़्यादा की रफ्तार है। अगर आप विपक्षी टीम को डरा सकते हैं, शुरुआत में विकेट झटक सकते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए एक ताकत देते हैं, एक मजबूती देते हैं। तो नोर्जे, क्योंकि बाकी टीमों के तेज़ गेंदबाज भी डरा रहे हैं, आप देखिए लोकी फर्गूसन, मोहम्मद शमी गुजरात में, उसके बाद में एसआरएच में उमरान मलिक, नटराजन, ये इस के गेंदबाज। दिल्ली कैपिटल में आपके पास नोर्जे हैं तो नोर्जे को डराना चाहिए। कुलदीप सेन राजस्थान में है तो वहां पर देखिए, ये इसी तरीके से मोहसिन खान लखनऊ में, तो ये तमाम जितने भी रफ्तार वाले गेंदबाज हैं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि नोर्जे भी दिल्ली कैपिटल में बढ़िया प्रदर्शन करें, कमाल का प्रदर्शन करें, ताकि दिल्ली की टीम बेहतर कर सके। तो ये एक प्लेइंग 11 है मेरी, मैं चाहता हूं कि दो बदलाव हो, मनदीप की जगह पृथ्वी शो शायद आने वाले हैं, आ जाएंगे मेरे हिसाब से जिस तरीके के बयान दिल्ली कैपिटल से आ रहे हैं, और रिपल पटेल की जगह चेतन सकारिया, क्योंकि चेतन सकारिया के आने के बाद जैसे आपके शार्दुल ठाकुर ज़्यादा रन दे रहे हैं, तो शार्दुल ठाकुर के ओवर बीच में रोक कर आप चेतन सकारिया के करवा सकते हो। डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट हैं, शुरुआत में भी आप इनसे गेंदबाजी करवा लीजिए, बीच के ओवर्स में गेंदबाजी करवा लीजिए, माहिर गेंदबाज हैं। तो अगर का कोई गेंदबाज ज्यादा पिट रहा है तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन होता है कि आप उससे गेंदबाजी करवा सकते हैं, भरोसेमंद गेंदबाज है। यह कप्तान की रणनीति होनी चाहिए, एक बेहतर प्लेइंग 11 बनाने का ये एक विकल्प है, कि आईपीएल में केवल बल्लेबाजों से काम नहीं चलता है, आईपीएल में आपके पास बेहतर गेंदबाजी भी होनी चाहिए, बेहतर गेंदबाजी करके ही आप मैचेस जीत सकते हैं, केवल बल्लेबाजी के दम पर आप मैचेस नहीं जीत सकते, ये ऋषभ पंत को समझना पड़ेगा। ऋषभ पंत के पास पृथ्वी शो, डेविड वॉर्नर, मार्श, पंत, ललित पावेल, यहाँ तक एक अच्छे बल्लेबाज हैं, इनफॉर्म बल्लेबाज जो रन बना रहे हैं। उसके बाद में शार्दुल ठाकुर भी बल्लेबाजी निचले क्रम पर कर लेते हैं, चेतन सकारिया, ठाकुर, कुलदीप, खलील अहमद, नोर्जे, ये एक अच्छे गेंदबाज आपके पास हो गए। तो मेरे हिसाब से ये एक बेहतर प्लेइंग 11 है सीएसके के खिलाफ जो मैदान पर उतरेंगी, क्योंकि दिल्ली को ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। 10 पॉइंट्स हैं, 11वां मैच खेलेंगी, मतलब अभी 10 मैच खेले तो 4 मुकाबले दिल्ली के और बच रहे हैं, इन 4 मुकाबलों में कम से कम 3 मुकाबले जीतने हैं, अब देखिए कोई भी कमी अगर छोड़ दी दिल्ली ने तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, 4 में से कम 3 जीतने हैं, 3 तो जीतने ही जीतने हैं तभी आप पहुंच पाएंगे, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए अब दिल्ली को ये प्लेइंग 11 उतारनी चाहिए, मजबूत प्लेइंग 11 है, आपके पास गेंदबाज भी और बल्लेबाज भी है। तो आप इस प्लेइंग 11 पर क्या कहना चाहते हैं, इन बदलावों पर आपका क्या मानना है, क्या आपको लगता है कि रिपल पटेल की जगह चेतन सकारिया को आना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी हम आपके सामने कोई वीडियो लेकर आए आपको हमारी जानकारी मिल जाए। थैंक यू।